देखिए, ये योकिनावा का चार्जर हमारे पास, तो ये जो है किसी के यहाँ से हो के आया है, ठीक है, तो उनसे नहीं बन पाया और इसमें जो है सामान भी निकला हुआ है। हमने इस चार्जर को एक बार खोल के देख लिया है, क्योंकि जहाँ हम गए थे रिसीव करने वहीं पर हमने इसे खोल कर देखा था। फ्रेंड्स, हम जहाँ से सामान लेते हैं उन्हें के यहाँ ये चार्जर दिया हुआ था, उनका कहना था कि कोई टेक्नीशियन छोड़ के गया है तो उससे नहीं हो पाया, तो जो है तो वो बोले कि मेरे नज़र में एक है वो बना देगा, तो वो शॉपकीपर रख लिए इसको। अब हम इसको खोल कर देखेंगे क्या है। फ्रेंड्स, इसको खोल लिया हमने, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ से मॉसफेट निकाला हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पर छेड़ दिया गया है ट्रांसफार्मर। बताइए, और पीछे के साइड देखते हैं तो देखिए, फालतू तो में हमारा ये निकाल दिया गया डाइवर ट्रांसफार्मर, और देखिए किस तरह से निकाला गया है पेंट इसका, और यहाँ लगता है रिसोल्ड किया है। तो नॉलेज नहीं होने के कारण इतना कुछ हो गया। देखते हैं ये पीसीबी रिपेयर होता है या नहीं, बस इसका ड्राइवर आईसी बचा रहे तो हम इसको 100% रिपेयर कर सकते हैं। पर हमने जो इस हीट सिंक को निकाला है, देखिए ये तो स्क्रू खुला हुआ था और यहाँ से हमने इसको पीछे से डिसोल्ड करके निकाल दिया, लेकिन शायद जो पहले काम किया इसमें, देखिए कैसे निकाला है, यहाँ से तो ब्लू कपड़ा हुआ है और ये एम्प्टी जो है बाहर निकाला गया था, तो इसको निकाल कर ये निकाला गया था, समझे, और इसके बाद इसको सोल्ड कर दिया गया, तो पता नहीं कैसा टेक्नीशियन था। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़, ये जो इंजीनियर देख रहे हैं, इंजीनियर नहीं सॉरी, ट्रांजिस्टर ओपन है और शायद इस वजह से नहीं बना पा रहा हो या पता नहीं, देखिए यहाँ पर भी काम किया है, तो हम इस ड्राइवर सेक्शन को ओके करेंगे, उसके बाद ऊपर से ही मॉस्फेट और डायोड लगा के चेक करके आपको आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो A1W है, ये हमारा स्विचिंग डायोड, ठीक है, इस साइड हमारा डायोड है, तो इसके जगह पर तो हम 30-60 भी यूज कर सकते हैं छोटा वाला, और वो भी नहीं तो दूसरा ट्रिक भी है, उस वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये तो हमारा ठीक है, इसको हमने चेक किया ऐसे ही है, हमसे मिस्टेक हुआ था, हम इसे ट्रांजिस्टर समझ रहे थे। और ये देखिए बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये हमारा 3 एम्पेयर 30 वोल्ट का है, तो ये हमारा शॉर्ट है, और इसका जो इक्वेलेंट होगा हमारे पास वो है नहीं ये नंबर, तो हम इसके जगह पर BD140 यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसको निकाल के BD140 यूज़ करके उसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ का आप असेंबली जो यहाँ पर कोडिंग है वो समझिए, यहाँ पर देखिए 30 ओम्स का रेजिस्टेंस था, असेंबली जल गया था वो लगाया हमने, यहाँ पर 7R5, तो 7R5 था नहीं तो हमने 4R7 यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर WT4 2.7 वोल्ट का जीनर है, ठीक है, जिसका आप ये देख सकते हैं हमने किस तरह से लगाया है, लेकिन हमारे पास 2.7 का है नहीं, ये 6 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट नहीं लगा सकते, ज़्यादा ज़्यादा 1 वोल्ट बढ़ेंगे वरना मॉस्फेट हमारा शॉर्ट हो जाएगा, तो 2.7 का है नहीं, तो इसको हम बाद में करेंगे, रात हो गया तो हम दुकान को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर पहले 2.7 का हम लगाएंगे, जुगाड़ करेंगे, बाकी हमारा रीडिंग प्रॉपर सही हो गया, जितना स्पैर है उतना स्पैर है। देखिए ज़्यादातर फॉल्ट हमारा इसी सेक्शन में आया है, इसी सेक्शन में, इसमें हमारा बस ये ख़राब था तो हमने एक दूसरे पीसीबी में से निकाल कर डाल दिया,
लेकिन उसमें जिनर है नहीं, तो अब जिनर डालेंगे इसमें, उसके बाद इसमें लाइन देकर चेक करेंगे। देखिए हमने जो काम किया है उसका देखिए फिनिशिंग कितना बढ़िया है दोस्तों। सोल्डिंग देखिए एकदम सॉलिड हुआ है सब में, बस ऊपर जो हमारा यहाँ पर जिनर रहता है वो लगाना बाकी रह गया है। बाकी ये सेट हमारा ओके है, बस जिनर लगाएंगे उसमें, उसके बाद हम इसमें लाइन देकर चेक करेंगे। WT4 की जगह देखिए आपको इस तरह से जिनर लगाना है। चार्जर ओके हो गया है, पीछे देखिए दोस्तों फिनिशिंग एक नंबर है। फिर भी फटते हैं ये चप्पल।